करते हैं सूजी ट्विस्टर को बनाना। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, आप बिल्कुल महीन वाली सूजी भी ले सकते हैं और नॉर्मल सूजी भी चलेगी। इसे मैंने डाला है 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच चाट मसाला। इससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। और मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, आप मेक श्योर करें नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इस सबको ऑयल के साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि ये सूजी है तो बहुत जल्दी तेल कुछ भी आप डालोगे बहुत जल्दी पिएगा। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ और एक बार इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें आप थोड़ी सी हींग डालना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे तो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से गूंध लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का आपका एक अच्छी तरह से आटा बन के रेडी हो जाना चाहिए। तो आप तेल और पानी मात्र अपने अनुसार इसको गूंदें ताकि ये अच्छे से आटे के फॉर्म में एकदम आ जाए। देखिए इस तरह से शेप इसको होल्ड करना चाहिए। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसको वापस से एक बार फिर से अच्छी तरह से गूंदेंगे। देखिए अच्छी तरह से इसको गूंदें। उसके बाद हम थोड़ी सी लोई लेकर के इस तरह से हाथ में इसको एक छोटी सी गोला बना लेंगे। देखिए ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसे टी टाइम स्नैक के जैसे भी आप आराम से खा सकते हैं, या कभी ट्रैवल कर रहे होंगे तो भी आप इसको बना के लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए फोक की हेल्प से हम इसे एक अच्छा सा शेप देंगे। देखिए इस तरीके से आपको इस लोई को यहाँ पे रखना है, हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो शेप होल्ड कर ले। और उसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप देखिए पीछे से इसको फोल्ड करते हुए आएंगे हम, और ये देखिए इसका शेप अपने आप बन के निकल आएगा। ये देखिए कितना अमेजिंग सा शेप है इसका, और ये खाने में बहुत ही अमेजिंग है। और ये सूजी से बना है, इसे तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको सेकेंड वाला ही बना के दिखाती हूँ। आप इसे फोक पे रखें और इसे इस तरीके से फोल्ड करें। आप इसे और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप पे बना सकते हैं, ये जो शेप है बहुत ही सिंपल है इसलिए मैं आपको दिखाया है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने सारे सूजी के ट्विस्टर बना के रेडी कर लिए, दिख रहे हैं ना कितने डिलिशियस। तो अब हमें क्या करना है, हमें कढ़ाई में तेल लेना है और तेल को एकदम गर्म करना है। तो सूजी को आप हमेशा गर्म तेल में डालें, अगर आपका तेल थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो सूजी फट जाएगी। तो मेक श्योर करिए आपका तेल गर्म हो। और दूसरी चीज़, जब भी आप इसे डालें इसे तुरंत करछी से ना चलाएं। मैंने कुछ कुछ सूजी के इन ट्विस्टर्स को चला दिया था जिसकी वजह से ये फट गए थे। तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी आप सूजी के इसको डालें आप थोड़ी देर इसको तेल में ही रहने दें, उसके बाद अपनी करछी को चलाएं। और सूजी ट्विस्टर को पकने में, चूँकि हम हॉट ऑयल में डालते हैं तो सूजी को पकने में आराम से 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और एकदम गर्म तेल में आपको डालना है, ये भी ध्यान रखें अदरवाइज सूजी फट जाती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, बस हमारे सूजी के ट्विस्टर बन के रेडी है। कुछ सूजी के ट्विस्टर फट गए थे क्योंकि मैंने करछी चला दी थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप इसको डालें करछी को ना चलाएं, थोड़ी देर उसको तेल में ही रेस्ट करने दें। और ये देखिए जब इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए मतलब आपकी सूजी की ट्विस्टर रेडी है। तो ये देखिए ये मेरे सूजी की ट्विस्टर रेडी है, प्लेट में आपको सर्व किया है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस।